टुडे हियर योर टॉपिक इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको नर्वस सिस्टम के बारे में, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब करते हैं सेकेंड, जो नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें इसे ऐसा समझ सकते हैं पेरिफेरल, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ अ नंबर ऑफ लॉन्ग थिन व्हाइटिश थ्रेड्स होती हैं कॉल्ड नर्व्स, ठीक है, जो क्या करती हैं, एक्सटेंड बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड बॉडी पार्ट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन नर्व्स आर टू टाइप्स, आपकी क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। यानी कि क्या करती हैं, क्रेनियल नर्व्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स, बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स, जबकि क्या करते हैं, बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी पार्ट्स। ये होती है आपकी बिटवीन, प्रीवियस वीडियो में शायद हमने आपको बताया था, बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स, और जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ये होती हैं आपकी बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आपकी क्रैनियल नर्व्स होती है, अब डिस्कस करते हैं क्रैनियल नर्व्स के बारे में। तो क्रैनियल, तो दीज नर्व्स एक्सटेंड बिटवीन द ब्रेन एंड पार्ट्स। जैसे कि सपोज करो, अगर हम बात करें क्रैनियल नर्व्स की, C R A, यहाँ पर भी CRA होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुई, CRA, ठीक है, CR। क्रैनियल नर्व्स, अगर क्रैनियल नर्व्स की बात करें हम स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो दीज नर्व्स एक्सटेंडेड बिटवीन द ब्रेन एंड पार्ट्स ऑफ हेड एक्सेप्ट 10th क्रैनियल, जो क्रैनियल नर्व्स होती हैं विद एक्सटेंड इवन अप टू द एब्डोमन। तो इन मैन देयर आर 12 पेयर, कितनी होती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स। तो दीज क्रैनियल नर्व्स मे बी सेंसरी हो सकती हैं। ये कैसे हो सकती हैं, सेंसरी हो सकती हैं आपकी, सेंसरी होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं, और मिक्स्ड, या कैसी, मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। तो जो सेंसरी होती हैं, आपको पता ही है, फॉर्म ओनली सेंसरी नर्व्स फाइबर्स में पाई जाती हैं। जो मोटर्स होती हैं, तो फॉर्म ऑफ ओनली मोटर नर्व्स फाइबर्स में, और जब मिक्स होती हैं, फॉर्म ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट्स स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स, तो दीज नर्व्स एक्सटेंडेड बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी पार्ट, यानी बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी पार्ट। तो देर आर 30 पेयर, कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 31 पेयर्स इनमें, देर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो ईच स्पाइनल नर्व्स इज फॉर्म्ड ऑफ सेंसरी डॉर्सल रूट एंड मोटर वेंट्रिकल रूट्स। तो सो ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड इन नेचर, कैसी होती हैं ये, मिक्स्ड होती है नेचर में, कैसी होती हैं, मिक्स्ड होती है, अंडरस्टैंड।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि थर्ड हमारा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम का थर्ड पार्ट है, जिसमें आप प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, रिफ्लेक्स आर्च के बारे में। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी जो फंक्शन होते हैं। यानी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम इट इज सेल्फ गवर्न एंड ऑटो फंक्शनिंग। इसी के आधार पर इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। पार्ट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकंड है आपका पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो बोथ ऑफ दीज सप्लाई सेम वेस्टरल ऑर्गन्स लाइक हार्ट है, गट है आपका, किडनी, लंग्स, यूरिनरी डक्ट्स है, ब्लड वेसल्स है, एंड इंट्रैक्ट टू मेंटेन करता है हार्मोन, मेंटेन करता है आपका होम्योस्टेटिक्स को। अब इसके जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम बाय डायग्राम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट, कि स्टिमुलस होगा, क्या होगा, स्टिमुलस होगा सर्वप्रथम एग्जाम्पल के रूप में हम इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से वर्क करता है, सबसे पहले क्या होगा, स्टिमुलस होगा, उसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर ऑर्गन होगा, रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन के बाद आफ्टर दिस सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, आफ्टर दिस स्पाइनल कॉर्ड, आफ्टर दिस मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, आफ्टर दिस इफेक्टर ऑर्गन्स, इफेक्टर ऑर्गन, और आफ्टर दिस रेस्पॉन्स आएगा, क्या आएगा, रेस्पॉन्स आएगा। यानी स्टिमुलस क्या हुआ, यानी कि आपने देखा अपने हैंड्स के द्वारा आप किसी हॉट चीज को, हीट को, या पेन होता है आपको कोई स्किन पर, नाइफ से कट जाता है, या आप किसी हीट चीज को छू लेते हैं, यानी कि वो क्या चीज है, हीट क्या है, स्टिमुलस है। और जब आपने उसे छुआ, रिसेप्टर आपने ऑर्गन ने उसे क्या करा, रिसेप्ट करा, रिसेप्टर्स क्या हो गया, वो जो हीट या पेन आपको महसूस हुआ रिसेप्टर इन स्किन द्वारा, अब क्या होगा, अब इफेक्ट होगा, इफेक्ट क्या होगा, मसल्स इन आर्म, मसल्स की आर्म क्या होगी, इफेक्ट होगी, जैसे आप टच करा तो एकदम से क्या करेंगे आप, हटा लेंगे, तो इफेक्ट हुआ मसल्स इन आर्म में। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन उस जो इफेक्ट हुआ उसको कहां पर पहुंचाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी उसको माइंड में, और माइंड से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन द्वारा उस ऑर्गन्स पर पहुंचेगी, तो क्या होगा, इफेक्ट होगा, उसको आप पीछे कर लेंगे,
स्पाइनल कोड द्वारा क्या होगा, माइंड वर्क करेगा, मैसेज पहुंचाएगा ब्रेन को। अब क्या होगा, जो मोटर न्यूरॉन है वो वर्क करेगी, और वर्क क्या होगा, वर्क ये होगा कि आपका जो ऑर्गन है जो इफेक्ट हुआ आप उसको क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो क्या मिला आपको, रेस्पॉन्स मिला। तो यही हमारा क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्स आर्च कहलाता है। इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स आर्च के बारे में कभी पूछा जाता है, रिफ्लेक्स आर्च या रिफ्लेक्स एक्शन। तो व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, तो दीज आर स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक मैकेनिकल रिस्पॉन्स इन विच विल बी विच विल इज नॉट इन्वॉल्व, सो आर इन्वॉल्ट्री एक्शंस। जैसे कि आपने क्या करा, इसी प्रकार से कोई थिंग्स हैं किसी के ऊपर, आप एकदम से अचानक से सडनली फेंकेंगे तो आप क्या होगा, तो वो सबसे पहले अपने हैंड्स को, अपनी बॉडी को कवर करके हैंड से आईज क्लोज कर लेगा। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये मैकेनिज्म थी, इस प्रकार की मैकेनिज्म होती है इसमें, जिसमें रिस्पेक्ट आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स, आपकी स्किन एग्जाम्पल के रूप में स्किन होती है, जैसे मैंने कहा हीट है, कोल्ड है, अब सिग्निफिकेंस क्या है, तो रिफ्लेक्स एक्शन हैज टू फॉर सिग्निफिकेंस। एक तो क्विक रिस्पॉन्स होता है, तो दीज इनेबल द बॉडी टू गिव क्विक रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुली, हार्म से हम बच जाते हैं। अगर इस प्रकार का एक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा, तो हार्म हो जाएगा, यानी कि हम उस वस्तु को क्या करेंगे, टच करे रहेंगे, और हमारा वो क्या हो जाएगा, बॉडी का वो पार्ट्स इफेक्ट हो जाएगा, उससे हार्म पहुंचेगी हमारी बॉडी को, उस पार्ट्स को, उस ऑर्गन्स को, तो डैमेज होने से बचाता है बॉडी को, डिक्रीज होने से बचाता है, बेकार होने से बचाता है। ओके, साथ साथ में दिस प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, सो प्रिवेंट इट्स फैटिग्यू। अगर ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे जो ऑर्गन्स हैं विदाउट रिफ्लेक्स एक्शन के, यदि ये मैकेनिज्म ना हो, स्टिमुलस ना हो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन और स्पाइनल कॉर्ड मोड उसके द्वारा माइंड तक ना पहुंचे, तो मोटर न्यूरॉन अपना वर्क नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं होगा ऑर्गन पर, और रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, जैसे कि आप नॉन लिविंग वस्तु को देखेंगे, आप क्या करोगे, हीट पर रख दो तो वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन ह्यूमन का हीट पर अगर हाथ रख देते हैं या उसका हैंड रख देंगे तो क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा, उसका क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन स्ट्रेंथ। तो नर्वस सिस्टम में आपका था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब इसी प्रकार से ये क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से उसे बचाया ऑर्गन्स को। अब इसी प्रकार से तो क्या है, एक्सटर्नल है आपको दिख रहा। अब एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो हार्मोन्स के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। तो वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से जो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं कैसे वर्क करती हैं। तो नर्वस कंट्रोल के द्वारा क्या होता है, क्विक एक्शन होता है, एकदम क्विक स्पीड ऑफ एक्शन क्या होता है, क्विक होता है। और जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के द्वारा, और किसके द्वारा, थ्रू नर्व फाइबर के द्वारा, जैसे हमने नर्व हमने यहाँ पर पढ़ा, किसके द्वारा, नर्व फाइबर्स के द्वारा। ये आपका नर्व्स, जो किस में होता है, बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स, बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी पार्ट, क्योंकि यहाँ पर टू पार्ट्स में हो रहा था, ब्रेन से बॉडी पार्ट में और बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट। तो सारा का सारा नर्वस सिस्टम से था। अब आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, एनिमल हार्मोन्स के द्वारा। तो
तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, स्टडी करेंगे और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।